करनाल में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान 21 अक्टूबर को व मतगणना 24 अक्टूबर को तथा चुनाव की अधिसूचना 27 सितंबर को की जाएगी। मतदाता व उम्मीदवार को चुनाव के दौरान कोई परेशानी ना हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के दौरान हर नागरिक आदर्श आचार संहिता का पालन करे, इसके लिए सभी नागरिक सहयोग करें। चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक का खर्च अपने चुनाव में कर सकता है, जिसका लिखित विवरण उम्मीदवार को देना होगा। निर्वाचन अधिकारी रविवार को लघु सचिवालय के सभागार में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिला स्तर पर चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को चुनाव की घोषणा कर दी है, तब से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता का सही से पालन हो इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। लोकतंत्र में सभी को वोट बनवाने व डालने का अधिकार है, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वह 4 अक्टूबर तक अपना वोट बनवा सकता है। इस मौके पर नगराधीश सुशील कुमार, चुनाव तहसीलदार सुनील भोरिया उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा इस चुनाव में सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बिना कोई भी चैनल किसी भी उम्मीदवार का प्रचार ना करे। एमसीएमसी कमेटी द्वारा बिना अनुमति के सोशल मीडिया व अन्य मीडिया पर उम्मीदवार का किया जा रहा प्रचार सामग्री को चिन्हित करके उस पर खर्चा लगाया जाएगा, जो कि उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। साथ ही इसके लिए उसे नोटिस भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैली स्थल पर व प्रचार सामग्री लगाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उम्मीदवार के लिए अलग से स्थान निर्धारित किए जाएंगे। चुनाव की क्या तैयारियां कैसे? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कल इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है। इलेक्शन शेड्यूल के अनुसार हरियाणा में निर्वाचन की तिथि, काउंटिंग की तिथि सभी घोषित की गई हैं। इसका गजट नोटिफिकेशन हमारा 27 तारीख को सितंबर में किया जाएगा। उसके बाद 4 अक्टूबर तक हमारे नामांकन लिए जाएंगे। उसके बाद में हमारा जो तिथि निश्चित की गई है वोटिंग की, वो 21 अक्टूबर है और काउंटिंग का दिन 24 अक्टूबर निश्चित किया गया है। आज यहाँ करनाल में जो सभी तैयारियाँ आने वाले चुनाव से संबंधित हैं, उससे संबंधित एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जो भी तैयारियां एक निष्पक्ष, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए किसी भी प्रशासन के द्वारा की जाती हैं, करनाल ज़िले में पूर्ण की गई हैं। और सभी 5 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्रों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एनफोर्समेंट के लिए तत्पर हैं, जो कल से लागू हुआ है। उसमें सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हिदायत हमारे द्वारा भेजी गई हैं, और आपके माध्यम से भी मैं सभी कैंडिडेट्स एवं पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह करूंगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्समेंट में आप हमारे सहयोगी बने, ताकि सभी को एक फ्री, फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सर, इसमें ब्लॉक वाइज जो है महिला बूथ बनाए जाएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? विशेष तौर से निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार हिदायत है कि महिला सशक्तिकरण और जो महिलाओं का योगदान है इस डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको ध्यान में रखते हुए हर विधानसभा में एक बूथ ऐसा बनाएंगे जिसमें सभी कर्मचारी, चाहे वो हमारे पोलिंग स्टाफ हों, सुरक्षा कर्मचारी हों, सभी महिलाएं हों, ताकि उनका जो योगदान रहा है हमारी डेमोक्रेसी में, उसको हम हाईलाइट करें। इस पर सर प्लास्टिक फ्री चुनाव हो रहा है, इसके बारे में इसमें हिदायतें स्पष्ट हैं कि जो भी चुनाव संबंधित सामग्री है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खरीदी जाए या कैंडिडेट्स के द्वारा उपयोग की जाए, उसमें किसी तरह के सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए, ऐसी पॉलीथीन्स का ना किया जाए जो हानिकारक हैं। इस तरह की जो भी सामग्री कहीं पाई जाएगी कैंडिडेट्स के द्वारा, उनका खर्चा भी जोड़ा जाएगा और उस सामग्री को तुरंत जब्त किया जाए। सर, टाइमिंग क्या रहेगी पोलिंग की? देखिए, पोलिंग की टाइमिंग्स जो हमारी लोकसभा चुनाव में थी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, वही जारी रहेगी। उनमें इस तरह के कोई पॉलिटिकल बैनर्स, पोस्टर, बोर्डिंग अगर लगे हुए हैं सरकार के द्वारा, उनको हटाया जाए। अगले 48 घंटे में जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर हटाने का प्रावधान है, और 72 घंटे में जो हमारे प्राइवेट स्थान भी हैं जिनके बिना इजाज़त के किसी ने पॉलिटिकल पोस्टर, बैनर अगर उनकी दीवारों पर लगाए गए हैं, उनको भी हटाने के लिए सभी हमारे नगर पालिका, नगर निगम
और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और इसको सख्ताई से हम लोग इसकी पालना करें। जो लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, देखिए धरना तो उनका मौलिक अधिकार, अगर किसी तरह का उनका विषय है तो वो सरकार के पास रख ही रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का मुझे लगता है कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित कोई विषय नहीं है जब तक वो पीसफुली इस धरने पर बैठे। सर एक सवाल हट गया है, राजीव बुटानी जो नायब आज भी प्रधानाचार्य की ड्यूटी वो बस्तली में कर रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई निलंबित करने की, क्या कहना चाहिए? देखिए क्योंकि ये विषय पेपर लीक से संबंधित था जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, उसके बाद में अगर जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस विषय को उपायुक्त होने के नाते मैं शिक्षा विभाग से ज़रूर टेकअप करूँगा। सर एक स्वतंत्रता सेनानी का पिछली प्रेस वार्ता में हमने आपसे जिक्र किया था जो रामस्वरूप हैं, उसके परिवार को आपने कहा था भी 14 दिन के समय में हम जो भी सरकारी मिलती है फैसिलिटीज उसको कराएंगे, सर उसके लिए भी जानकारी? उसमें हमने विभाग के जो अधिकारी थे उनको आदेश दे दिए हैं, जैसे रिपोर्ट आई होगी उसके हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक, 24 ऐसी थी जो हमने ड्रॉप करी, फ्रिवलस थी, कुल मिला के 150 शिकायतें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित लोकसभा चुनाव में सी विजिल IT एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त हुई। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।